दर्शकबिंद नमस्कार, प्राइम टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। हम अमित ठाकुर। देश संघीयता में गेला के बाद शुरुए से प्रदेश नंबर दू आ संघीय सरकार के बीच कनी ने कनी टसल देखल जा रहा है। किछ दिन पहले से हो ई विवाद कहियो चाहे जे कहियो, करार में कर्मचारी राख के विषय में से हो संघ के सरकार आ प्रदेश नंबर दू के सरकार के बीच बातचीत भेल रहे। ऐ सब के बीच में काल मात्र प्रदेश नंबर दू प्रदेश सभा से बहुमत से प्रदेश में कर्मचारी करार में भरना में राख में इस विधेयक पारित कैल गेल छे। ऐ के बीच अभी चर्चा के विषय बनल अछि। लगायत ऐ में जो यदि देखल जाए तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक हाउस भीतर रहल सबटा दल समर्थन केने छले। ई विषय तथा एखुनका समसामयिक राजनीतिक विषय पर बातचीत करक लेल आइ हम सब उपस्थित भेल छी। बातचीत में हमरा सबके साथ में छथि प्रदेश नंबर दू प्रदेश सभा सदस्य नेपाली कांग्रेस की तरफ से राम सरोज यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है अपने के। धन्यवाद। शुरुआत करी विधेयक के प्रसंग से। इतने लंबा अंतराल के बाद प्रदेश सभा के बैठक बैसले, दीपावली पावन छठ सब चीज बीतल के बाद पहल दिन जो हाउस के बैठक बैसले तो वही में विवाद देखल गए। दोसर दिन करार में भरना संबंधी वो विधेयक पारित हो। नेपाली कांग्रेस अइमे समर्थन जनेने छ। समर्थन कैला आ जे विवाद जे अहाँ सब देखलिए आ ओहि बीच जे पारित भेले ओहि पर अहाँ के विचार। देखो, नेपाली कांग्रेस दूटा विधेयक में सरकार के समर्थन करने छ। अहाँके बुझल अछि जे प्रहरी विधेयक रहे ताहिमे नेपाली कांग्रेस समर्थन कलकै। अखन जे कॉन्ट्रैक्ट में राखऽ वाला कर्मचारी के विधेयक में समर्थन देलक तकर कारण छ। बेर बेर बात के प्रतिबद्धता जारी कैली जे कोनो किसिम से संघीयता पांच नहीं आबक चाहिए, जनता में वितृष्णा नहीं हो जाए, संघीय प्रणाली बेकार से। हमरा कहो तो जे काठमांडू को विज्ञान मनोविज्ञान से खासकर अखन के सरकार के उस संघीयता विरोधी मानसिकता में से के प्रधानमंत्री नेकपा के अध्यक्ष एक बार बाजल छन से मजबूरी कर सक रहा हम संघीयता के मनलिए। अहाँ को क्या सपोर्ट कर लिए तकर कारण से मान लिये एक सरकार गृहमंत्री के पुलिस में रहते हैं, वो कोना कहाँ के शांति सुरक्षा कायम कर सकते हैं। सबसे बेसी अहाँ के बलात्कार महिला हिंसा के घटना दू नंबर पर देश में ओना देश भरि में छे व्याप्त हिस्ट्री में एत घटना बलात्कार के वगैरह के और तर्क जे दे सरकार आ सबसे बेसी दू नंबर पर देश में सरकार ला के पुलिस के स्टिक नहीं रहते, पुलिस नहीं रहते, एक पुलिसो नहीं रहते वो काम कर सकते। हम सब हाउस में पूछे छे, सरकार जवाब दिए, गृहमंत्री जवाब दिए जे एत घटना घट रहा ते घटना के आगे नवीनीकरण के लिए की कर झटर पटर जवाब दे रूम में कहे हमारा एक पुलिसो नहीं हमारा की कहे। तहिना प्रशासन के हम बात करें, बिना प्रशासन प्रदेश नहीं चल सके, बिना कर्मचारी बिना कोनो विकास के काम आगू नहीं बढ़ रहा है। आई कतेक दिन से सरकार विभिन्न बहाना में कहे छे समायोजन करब कर्मचारी पठाएब, एक बरस अहाँ के संविधान सभा के निर्वाचन भेला भ गेलै बीचे एक महीना धरे सरकार बन गई, सरकार के कर्मचारी चाहिए कि नहीं चाहिए। अइ में केंद्रीय सरकार अहाँ के असक्षम भेलै जे कर्मचारी नहीं पठा सके। केंद्र सरकार ई दूटा विषय दोनों एक बेर बाजली, ई जे प्रहरी विधेयक अहाँ कहलिए ताहिके बाद कर्मचारी संबंधी जे विधेयक कहलिए, प्रहरी विधेयक बनऽ बेर में तब जे संघ सरकार के जे मुख्य न्यायाधिवक्ता छथि ओहो आयल रहथि, अग्नि खरेल जी ओहो, ताहिके बाद प्रचंड जी सेहो आयल रहथि, तऽ कतौ ने कतौ ओ सब अपन असंतुष्टि जना कऽ गेलथि। ओवरटेक एक्सीडेंट एहन एहन सब सब यूज भऽ कऽ गेलै। ताहिके बाद एखन आब कॉन्ट्रैक्ट में कर्मचारी अहाँ सब राखि रहल छी, जखन लोक सेवा के सेहो स्ट्रक्चरिंग भऽ रहल छै, तऽ एहिमे आब विवाद नहि बुझत अहाँ सबके संघ सरकार के तरफ से? तेहन किछु हाउस में बात नहि आबि रहल छै? एम्हर प्रदेश सरकार आगू सबटा काज मोटरसाइकिल चलबै छी, गाड़ी चलबै छी, चलबै चलबै तऽ
अहाँ के टाइम पर पहुँच के आ कोनो गाड़ी अगर गाड़ी स्लो हेतु मानि लिअ या अहाँ के रास्ता नहि देत तऽ ओवरटेक करबे कि नहि करबे। इतने दिन से आई केंद्रीय सरकार प्रहरी संबंध में कर्मचारी संबंध में विधेयक प्रहरी संबंध में विधेयक न लड़के संविधान में स्पष्ट लिखल से प्रदेश प्रहरी रहने सरकार को माथत में तो संविधान जो प्रत्याभूत कहने से वही अधिकार के प्रदेश प्रयोग करे कि नहीं करे। मान लिये कल और शांति सुरक्षा बिगड़ते तो जनता में वितृष्णा होते कथी के वितृष्णा हेतु संज्ञाता प्रति कल विकास के काम आगू नहीं बढ़ते तो फिर जनता में वितृष्णा होते। जनता के तो विकास चाहिए, जनता के समस्या के समाधान चाहिए, जनता के शांति सुरक्षा चाहिए। ई बात सब नहीं हेतु वितृष्णा हेतु तो जनता आगे संज्ञाता के विरोध में जेत। सरकार के अपन दायित्व पूरा करक चाहिए। अहाँ कहे एक्सीडेंट होते अहाँ स्लो कला छे यार टाइम पर काम करबे विधेयक लबे तहन आगे की कहे छे अहाँ कहि सकै छी जे एक्सीडेंट कहे छी तऽ गलत बात है ना। अइमे इहो बात थपब जे प्रदेश नंबर दू में तऽ एते काज भ रहल छै आन आन जगह के प्रदेश के सरकार यदि हुनके एके पार्टी के छै लेकिन ई चुनौती सब विकास निर्माण के चुनौती शांति सुरक्षा के चुनौती हुनको सब के पास हेतु ओ सब एहन कदम कैला नहीं उठा रहा चाहे बढ़िया जगह आवाज कैला नहीं उठा रहा है। सुनो छोटा प्रदेश में डोमिनेशन है नेकपा के बहुमत से ऊपर अहाँ एक समाचार कर्मी छी अहाँ के प्रदेश परिषद के बैठक अखन तक नहीं बैठ रहा है। प्रधानमंत्री टाइम लेल गेली पोखरा में बैठक बैसले प्रधानमंत्री टाइम दिल के रहा परिषद के बैठक में बा अखन दे रहा हमरा बुझाई जे 28 गते कते बजे में छे परिषद के बैठक ई जे संज्ञाता छे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म छे ई और सहकारी में आगे की कहे छे ई संज्ञाता चल सके छे अहाँ सहकारी नहीं करे छे समय पर परिषद के बैठक नहीं बसबे छे मान लिये सब मुख्यमंत्री या ओहिठाम के मंत्री सब या परिषद के बैठक होती तो इस समस्या सबके समाधान कह के एक दोसर के सहयोग करते सेहो नहीं करे छे अहाँ समय पर कर्मचारी समय आयोजन नहीं करे छे समय पर अहाँ प्रहरी बिल नहीं लबे छे तो ई सरकार अहाँ के जे संविधान में प्रदत्त अधिकार है हाथ अहाँ के बांध के बैठते कि जे संविधान अधिकार देने तक प्रयोग करते सह कल के हमारा सबके बुझाइल हम सब संज्ञाता के पक्षधर आदमी छी संज्ञाता कोनो हालत में खत्म नहीं होबक चाहिए तै दुआरे अई सरकार के हम सब दुनू विधेयक में सहयोग के लिए एकटा प्रतिपक्ष के भूमिका में कोनो दल से तो ओकरा जिम्मेवार होबक चाहिए गैर जिम्मेवार नहीं होबक चाहिए। सरकार के कोन कदम ठीक छै कोन के कदम भी ठीक छै एकटा प्रतिपक्ष अई बात के छुटिया नहीं सकते अई बात के बुझ नहीं सकते तो जिम्मेदार प्रतिपक्ष क्या कह गए। हम संघीय सरकार एक साल जो चुनाव के अब हो गए छै साल भर में एतेक जरूरी चीज सब नहीं कह पेले जे के कारण अहाँ सब कह रहे हम सब आगा बढ़ रहा छी हाउस आगा बढ़ रहा छी तो ढिलाई में की नियत चाहे की कारण देखे छी। हमरा देखो स्पष्ट हमरा बुझाई व्यक्तिगत रूप में हम ई बात के कही छी जे कोनो कम्युनिस्ट व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी संघीयता के स्वीकार नहीं करे छै उ सब अहाँ के हरेक अधिकार के केंद्रीकृत करे चाहे छै उ सब अहाँ के अब ई संघीय प्रणाली जे छै अधिकार आ सरकार सबके विकेंद्रीकरण होइ छै विकेंद्रीकरण नहीं कहो हमें बुझलिए शब्द प्रयोग करब की होइ छै जे सरकार होइ छै तकर डिविजन होइ छै अहाँके जेना अखन भेलैए स्थानीय तह में जाइ छै अहाँके प्रदेश में अबै छै सत्ता शक्ति ओ कतौ जाइ छै जनता के सबसे नजदीक होइ छै जनता में जाइ छै जेना वएह सब कहै छै सिंह दरबार बार गांव गांव में पठाई दियो यार दरबार पठाए रहो उनसे की दरबार लगे अधिकार बनी
दिनुपर्छ, अधिकारमा सहयोग गर्नुपर्छ, होबक चाहिँ कि नै होबक चाहिँ। ओना त एखन दरबारको स्ट्रक्चर हो बहुत जग्गा नै बनले। दरबार मतलब हमर आशय जे घरे से नै सिंह दरबार के अधिकार कहै छियै, ओहि अधिकार में समय पर अहाँ कोऑपरेट नहीं करै छियै। कोऑपरेटिव कहलिए अहाँके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, अहाँ कोऑपरेट नहीं करबै, अहाँ अपन दायित्व निर्वाह नहीं करबै तब दोष देबै प्रदेश के या स्थानीय तब के। तो ई मानसिकता की कहै छियै जे अखन के सरकार के मानसिकता छै जे ई कोनो किसिम सँ ई संघीय प्रणाली प्रति जनता के वितृष्णा होय, संघीय प्रणाली खत्म भ जाए। हमरा विचार से व्यक्तिगत रूप से जे चाइल्ड प्रकृति लक्षण देखे छे अखन के सरकार के, कोनो भी सरकार जे संघ में बैसल छे वो जुन व्यवस्था से चुन के आयल छे वह व्यवस्था के खत्म करे पर लाग जेतै। सब बात कहे छे, हम तो पहले कहनु जे कम्युनिस्ट के डिक्शनरी में संघीयता नहीं होइ छे, तै द्वारा हम कहनु मान सकते। अहाँ देखलिए नहीं केंद्र में बहुत अधिकार सब प्राइम मिनिस्टर अपना कार्यालय में अहाँ के सीमित कर रहा है, एकर मतलब सेंट्रलाइज कर रहा है। कम्युनिस्ट सब तो सारा अधिकार के सेंट्रलाइज कर चाहे, तभी हमारा तो एक मानसिकता मनोविज्ञान देखे केन्द्र के केहुना कहीं संघीयता बदनाम भ जाए, संघीय प्रणाली खत्म भ जाए, हमर ठहर से है। तै के चलते वो सब काज नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। नेपाली कांग्रेस द्वारा किछुए दिन पहले समीक्षा कैल गेल रहे 7-8 महीना केन्द्र सरकार के, ओहिमे अहाँ सब सरकार के संघ सरकार के पूर्णतः विफल कह दिलिए, चाहे शांति सुरक्षा के बात में है, भ्रष्टाचार के बात में हो या अन्य व्यवस्थापन के महंगाई आबि सकैए। तो ई विफल अहाँ सब कह रहल छियै, एहि के पाछा किछु किछु घटना सब सेहो दऽ रहल छियै, ई घटना सब के होइते अन्य अन्य काल में तो सेहो घटना सब भेलै, सरकार असफल भइए गेलै, तऽ एते जल्दी नहीं बुझाए जे मतलब सालों भर नहीं भेल से या डिसीजन दऽ देनाय। सरकार के की होइ छै लक्षण, वर्षा दिन के हनीमून होइ छै, कहै छै मॉर्निंग सोच द डे, ताबे देर तक हमसे नहीं बाजल रहे, आ वो हनीमून की कहै छै देर से हो कटि गेलै, कम से कम एक बरिस भेलै, तऽ एक बरिस में लक्षण तो देखाई दै छै नहीं हो, अहाँ स्वस्थ छी कि अस्वस्थ छी तेकर लक्षण तो देखाई दै छै, जनता एक्सरे करत छै बतबै छै नहि अहाँके। महंगाई चरम सीमा पर छै, संसार में पेट्रोल के दाम घट रहल छै, बैरल प्रति बैरल घट रहल छै, न्यूज सुनैत होबै, एहिठाम दाम नहि घटै छै, एहिठाम बढ़बे करै छै। ओ सब लेकिन कहै छथि जे भारत सरकार भारत से सस्ता दऽ रहल छै। नहि नहि, भारत से सस्ता दऽ रहल होतै टैक्स भैट आदि इत्यादि, हम जतऽ से तेल अबै छै तकर बात करै छी। अहाँके दैनिक उपभोग के समान अत्यधिक बढ़ गए, सरकार के कंट्रोल करक चाहिए, शांति सुरक्षा तो देश में खत्म में भ गेल छै। एकटा प्रतिनिधि घटना छै निर्मला पंत के, ओनो सैकड़ों सौ हजारों घटना घट गेल छै, सरकार हाथ पा दे के कथी देख रहल छै, किया नहीं सरकार आगे की कहै छै न्यूनीकरण करके ओकर की कहै छै प्रक्रिया में जाय के चाहिए, से नहीं भ रहल छै। अत्यधिक बढ़ गेल छै आगे की कहै छै चोरी डकैती बलात्कार हिंसा मर्डर सब बढ़ रहल छै, सतमे नहि छै, आ न्यूज सुनलियै होत 26 कि 27 अरब के विमान, एकटा उदाहरण कहै छै, विमान किनलै कि नहि किनलै ओहो बात, ओहिमे 6 अरब अहाँके भ्रष्टाचार भेल छै, सर्वत्र अहाँके भ्रष्टाचार छै, अराजकता छै, महंगाई छै। मंत्री जी और सरकार के की कहबे, तो असफल कहबे नहीं सफल, वाइड बॉडी विमान जे प्रकरण अहाँ कहलिए ओहिमे तो रविन्द्र अधिकारी अपने आबि कहे छथि समिति में जे ई प्रक्रिया हमरा मंत्री होबे से पहले है शुरू भ चुकल छलै, हमर एहिमे कोनो दोष नहीं है, हमरा किछु तेहन जानकारी नहीं है, झूठ बजै छथि, झूठ नहीं बाजू, कम से कम कहियो ठीक है मंत्री जी, कहियो छानबीन करू हम तैयार छी। आन कंट्री में तो की होइ छै जखने अभियोग लागल तो मंत्री अहाँके रिजाइन कर दै छै, छानबीन करे के लेल सुविधा होय, कोनो फाइल उलिए मनोमर दया माया नहीं होय, तो मोरैली उ सब रिजाइन करै छै, अहाँ रिजाइन नहीं कैलिए, अहाँ तो ई कहियौ जे ठीक से भेल छै तो छानबीन करू, ओहिमे भेल छै जे दुनिया के अहाँके रिपोर्ट आबि गेल छै, दुनिया अहाँके मीडिया में आबि गेल छै, तो हमरा अहाँ बताओ एकटा ईंटा तक नहीं गाड़ि सकली अखन धरती के विकास के नाम में, हमरा बता दिए एकटा छोटका मोटका बात छोड़ के आप देवाल जोड़ देव कतु अहाँके पानी बना देव
एकटा कोनो मेजर विकास के काम बता दिए सरकार शुरू कल के अहिठाम के अहाँ के की कहे भौतिक पूर्वाधार मंत्री अभी कहलखिन सब खदिया हम भर देते खदिया कथी भरथिन वो खदिया जो छोट छे से पैघ भ गए अखन भर नहीं सकलखिन तो सर्व समग्र रूप से अ सरकार के विश्लेषण करबे तो सरकार अहाँ के फेल्योर से विकास निर्माण के काज भइए नहीं रहल छै से कहि रहल छै कहाँ भ रहल छै देखो एते जे रोड सब चौरा होबे के ओ सब कहि रहल छै त हम सब कह रहल छी आब तो रेलवे के सब ल ले हम ही सब केनो है रेल हमरे सब के बेर में उद्घाटन भ रहल है अही से पूछे छी हम एतेक झूठ बाजक सही छ लाइन के हमरा सब के नेता माने विमला निधि मंत्री रहे ओहिठा में छ लाइन के भेल छै जहिया चंद्रशेखर आयल रहथिन 12 बीघा में तहिया से शुरुआत से अहाँ के रेलवे के एडीबी के बाद जे छै अखन जे कोई नाक फुलबैये ओ नेपाली कांग्रेस सरकार के टाइम में एकर उठान भेल छै आप बताऊ अपने जिला में बताऊ छोड़ू सब जगह के बात कोनो पार्टी के एकटा मेजर कोनो पार्टी के बात कहै छै त नेकपा छै कहियो मेजर विकास के काम की केलिए कांग्रेस छोड़ के ई बात मानब कांग्रेस के जतेक करबाक चाही तते नहीं भेल होत तो हमरा बताऊ नहीं जे अपने जिला में एकटा कोनो देखने गरी नेपाली में कहै छै ना से एकटा हमरा विकास के काज बता दिए नहीं कलके नहीं कर रहल छै एडीबी सब एकटा आरो प्रसंग जोड़ी दू दिन पहले मात्र एडीबी असंतुष्टि जाहिर केलके जे काज सब जे भ रहल है संतोषजनक नहीं भ रहल छै हालांकि काल फेरो किछ सहायता भेटले ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लेल बिजली सर सफाई इम्हर उम्हर के लेल एडीबी सेहो असंतुष्टि जना देलक एहि पर सरकार किछु नहि बाजि रहल सरकार नहीं बाजि रहल सरकार के काम छै हमर साथी सब तऽ अहाँके बड़ा बड़ा हँसू नहीं रहबे न्यूज मीडिया में हमर कम से कम नगर महानगर पालिका के सभापति अभियान में लागल छै जतऽ जतऽ त्रुटि भ रहल छै जतऽ भ रहल छै हम तऽ हुनका कहलियै फेर कहबनि जे स्पेसिफिकेशन मांगल के वास्तव में स्पेसिफिकेशन अनुसार क्वालिटी मेंटेन नहीं भ रहल छै एहिमे कनिका हमसब पाछू छी दू बेर तीन बेर मांगि चुकलियै किया नहि दऽ रहल छै अहाँके स्पेसिफिकेशन काज नहि भ रहल छै ताहि दुआरे हुनको सबके असंतुष्टि अहाँके छै से जाइ छै तब सरकार से बेसी तऽ अथी मेयर के पूछियो ओहिठाम के कैला नगरपालिका के दायित्व ओकर छै ओकरा माथत में काज भ रहल छै एहिठाम तऽ एहन बात छै अहाँके आश्चर्य लागत चलू हमरा जरे दू चारि जगह देखा देब अहाँ के नजदीक आदमी तो ओहिठाम अहाँ के सड़क घुमा देने छै चारि पाँच जगह अपने हम देखने छी नाम अखन नहि कहब कोनो व्यक्ति के नाम क्या लेबै अहाँ से नजदीक आदमी अहाँ के वोटर अइ तऽ अहाँ ओहिठाम की कहै छी सीधा छोड़ के घुमा दै छी ओकर मकान नहि टूटे अहू से लज्जास्पद बात कतौ हेतै अहाँ सुनने हेबे मीडिया में आयल छै अहाँ के जनक की कहै छै शिव चौक में अहाँ के नक्शे के की कहै छै कंप्यूटर द्वारा गलत नक्शा के की कहै छै ट्रैक क की कहै छै ओहिठाम 20 में जे पड़ै छै सड़क तऽ अहाँ के धर्मशाला छै उत्तर भर अहाँ के अथी दक्षिण भर अहाँ के बेसी लगे छै कारण बुझल गेल तऽ कहलकै एकटा धुआ पाई वाला के एकटा ओहिठाम मकान छै ओकर पड़ै छै टूटक लेल टूटतै ओकरा बचा पकड़ लीजिए कहो तो ऐसे पैघ बात की उप महानगर पालिका में सेहो भ्रष्टाचार भ रहल अनियमितता छै कमी नहीं छै हम एक लाइन कहब अत्यधिक भ रहल छै जनता के ला चुप हेतै तेहन प्रखर आवाज तो नहीं उठे देख आवाज तो हम सब उठेलिए बराबर आंदोलन के लिए कर के लेल के लिए एहि सब विषय में आगे की कहै छै प्रेस कॉन्फ्रेंस भेलै एहि सब विषय में की कहै छै डेलीगेशन के लिए संबंधित निकाय में फिर एक प्रखर रूप में हम सब लौट जेबै प्रखर रूप में लौट जेबै दर्शक बिंद आई प्राइम टाइम में बातचीत करे के लिए हमरा सब के साथ में छथि प्रदेश नंबर दू के प्रदेश सभा सदस्य राम सरोज यादव जी उनका संगे के बातचीत जारी रहबे करतै एखन एकटा छोट छिन व्यावसायिक विश्राम व्यावसायिक विश्राम के बाद कार्यक्रम प्राइम टाइम में फिर से स्वागत करै छी आई हमरा सब के साथ में छथि राम सरोज जी राम सरोज जी विभिन्न बातचीत सब भ रहल छलै आब अबै छी फिर से कनी प्रदेश दिस प्रदेश नंबर दू एखन तक ने नाम भेटल छै ने राजधानी तो कहल छै अस्थायी राजधानी छै जतऽ हम आबै छलियै जनकपुर लेकिन
जे ऑफिशियल होवे के चाही जना आनंद दूटा प्रदेश के कर्णाली गंडकी एकरा सबके भेट गेले नाम आ राजधानी निश्चित करे में विलंब कैला भ रहल छै। हमसब बेर बेर सरकार के अहाँ के कते गणा 50 बेर की 100 बेर कहि चुकली होय जे चीज प्रारंभे में लाबक चाही अखन धरि नहि लाबि रहल छै। आब अखन के मुख्यमंत्री और मंत्री सब कहै छै कोई पार्टी के आदमी सब मध्य प्रदेश जबकि हमारा जिनते मुख्यमंत्री की बात जो मुख्यमंत्री पत्ता नहीं खोलक चाहिए उनका नहीं बाजक चाहिए मंत्री सब बजना ही कार्यकर्ता बजना ही एक बात कहे मध्य प्रदेश हम सब कहे मिथिला भोजपुरा। आप बताओ आगे याद है अंतिम आंदोलन में जिनमें नाका सब घेरल गए वही आंदोलन के नारा की रहे प्रखर रूप में दूटा बात रहे स्वायत्त मधेश एक प्रदेश के आशय भले 22 जिला के समग्र मधेश एक प्रदेश वो सब नामा दूट रहे अभी नहीं तो कभी नहीं इसी बार में लेना है वो सब जो है संविधान निर्माण भेला के बाद में उसे ब्लैकआउट कर नहीं भूपेंद्र यादव जी कहल कि नहीं संशोधन नहीं पुनर्लेखन संशोधन के प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस पास कर ये सब मधेसी जनता के ठगी छे द्वारे न एक मधेस में न स्वायत्त प्रदेश में स्वायत्ता रहे ताई जते कन्फ्लिक्शन भ रहल छै केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार में अहाँ डोमिनेशन भी छी अहाँ के की कहै छै स्वायत्ता नहीं भेटल 22 जिला के एकटा प्रदेश रहते मान लिये तो हम सीधे हम सब के देश मधेस प्रदेश वह सब कहे 22 जिला के मधेस एक मधेस तब अही सब बात छोड़ के कतेक आदमी शहीद भले अंग भंग भले अही नारा लगे आंदोलन के लिए सख्त से अहाँ की के लिए फिर 8 जिला के प्रदेश मान गए धोखा भले जनता से स्वायत्ता नहीं भेटल ये दोनों चीज नहीं भेटल आई दोनों चीज के लिए जे शहीद अहाँ के भले उनका सपना से खिलवाड़ भले कि नहीं मधेस नाम में तकलीफ कैला था मैं तकलीफ के बात नहीं कर हमारा लॉजिक है हम तो कहूँ जब 22 जिला के रहते तो सबसे पहले हम समर्थन कर दिए 22 जिला नहीं थे 8 थे तैल मधेस मात्रे मधेस नहीं होगा कि थे हाँ हमारे से कथन है अहाँ नारा देने चाहिए दुट्टा कहलिए ना एक मधेस स्वायत्त प्रदेश मतलब 22 जिला के स्वायत्त कहल गई स्वायत्ता के बात कहने हम अहाँ डिस्कशन के लिए हम कहे अखन 8 जिला के अहाँ के पहचान के 5 आधार है भाषा वेशभूषा संस्कृति भौगोलिक अवस्थिति ऐतिहासिक निरंतरता अभी 5 चीज पर एक अहाँ के अ फॉर्मूला पर एक जाँचल जाए तो यहाँ के मिथिला प्रदेश अहाँ के मिथिला भोजपुरा दूटा संस्कृति है पैघ संस्कृति है मिथिला के छोट संस्कृति है अहाँ के भोजपुरा के अहाँ सही कह के अभी पहचान पर पहचान के लड़ाई लड़ी छे कहे हमरा सबके पहचान भेटक चाहिए आ एक ता पहचान जे मिथिला के छे हम बतबे छी ई भाषा सबसे समृद्ध भाषा छे सबसे पुरान भाषा छे लगभग 5000 वर्ष कहे छे एकर संस्कृति छे पुरान संस्कृति छे मिथिला शब्द से तो हुनका सबके ओतेक अथी लगाव नहीं ना छे कहे छे मिथिला तो बिहार में सेहो छै दरभंगा मधुबनी उच्च जाति से जुड़ि जाइ छै मिथिला मैथिली सब चीज ओ सब सुनू ना बतबै छै हम कोन जाइ छी हम यादव छी एकटा डोम बजै छै हलखोड़ बजै छै से या कोनो अन्य जाति बजै छै सब मैथिली छै हरेक भाषा के तीन कोश पर भाषा के टोन भाषा के सब सब बदलै छै अहाँ के बुझल तीन कोश कहै छै पुरान आदमी सब पश्चिम के नेपाली मध्य के नेपाली और पूरब के नेपाली अंतर से दिल्ली के हिंदी बिहार के हिंदी मध्य प्रदेश के हिंदी अंतर से सब हिंदी है तो हमरा सबके लॉजिक यहाँ के जे मिथिला भोजपुरा प्रदेश रहक चाहिए क्या 45% अहाँ के गणना करबे तो भाषा भाषी मैथिली से एक अलग स्क्रिप्ट है नेपाल में दोसर भाषा के स्क्रिप्ट नहीं होते हमरा बुझाइए एकर अलग स्क्रिप्ट छै राजा जनक के राजधानी छै
मिथिला के राजधानी, विदेह नगरी एकरा कहियो जे कहियो, ई प्राचीन राजधानी छे। नेपाली कांग्रेस के तरफ से नाम आ भाषा में कौन स्टैंड ले लेते, नाम अहाँ सब कथी राखक प्रस्ताव करते, अहाँ सब के तरफ से की रहा? नाम तो मिथिला भोजपुरा कहै छी, भाषा मैथिली कहै छी, नाम मिथिला भोजपुरा, मधेश शब्द नहीं हेतै ओहिमे। मधेश हम एक बात कही छी, कहली तो बाई जिला के रहती तो हम तैयारे रहती। नहीं आरो आरो अबै छै ना, जेना मध्य मधेश राखि दियो, भोजपुरा मधेश राखि दियो, मिथिला मधेश। नहीं नहीं, हमरा सबके देखो आइडेंटिटी से जोड़ल अछि, जै समाज के भाषा समाप्त हो जाए, जै समाज के संस्कृति समाप्त हो जाए, हम अखन कहलूँ जे अपन भाषा अपन माटि, अपन धरती अपन माय, जी भाषे समाप्त भ जेतै, मानि लिअ भाषा के अहाँ नहीं रखबै, संस्कृति के नहीं संरक्षण करबै, अहाँ के पहचान कौन बनत? पहचान के हम कहली ने आधार, वही पहचान के आधार में मिथिला भोजपुरा एक नाम होबक चाही, एकटा संस्कृति, एकटा नेशनलिटी, की कहै छै भोजपुरा छै ओहि से बहुत पैघ नेशनलिटी अहाँ के की कहै छै संपूर्ण मधेश प्रदेश के जनता बुझै छै, ई सब मधेशी जनता से धोखा कर दिए, अहाँ स्टैंड ले लिए, शहीद भेल छै, अंग भंग भेल छै, ओहि शहीद के सपना के जवाब की देवे, शहीद के परिवार के जवाब की देवे, एक मधेश भेटल अहाँ के 22 जिला के 8 जिला के, तई में वर्षस से अहाँ के की कहे पहचान के आधार पर, हम कोनो अपन बात नहीं कहे छे, जे आधार पहचान के निर्धारण कल गेल छे वही आधार पर, वही फार्मूला पर एकरा अखन के प्रदेश के जांचक चाही कि नहीं जांचक है, वही फार्मूला के आधार में मिथिला भोजपुरा एकर अहाँ के नामकरण उपयुक्त छे। आ भाषा कहलिए तो 44-45 भाषा जना लैटिन छे, पूर्वी पूर्वेली भाषा सब जे समुद्र पार के तकर लैटिन छे मदर लैंग्वेज, तहिना सब भाषा के संस्कृत से मदर लैंग्वेज, जे आगे संस्कृत से आयल सब सब छै ओकरा तत्सम कहै छै, तद्भव जे भेलै जे अपना सबके ओरिजिनल कोनो भाषा के ओरिजिनल शब्द सब छै ओ तत्सम तद्भव भेलै। एकटा होइ छै आगंतुक जे दोसर भाषा से अबै छै, जेना अपना सब मैथिली में साइकिल कहि दै छै, नेपाली में साइकिल, अंग्रेजी से आयल छै, बहुत रास अहाँके हिन्दी के सब सब आयल छै, नेपाली के सब सब आयल छै, नहीं तीन टा बात है। एक हो प्राकृतिक भाषा, तुपलुकाई भूमि नेपाली में नहीं कहे थैच बस्नु, तेना मैथिलियों में फट से यहाँ मार दल के, फट से यहाँ मार दल के, चट से यहाँ बोल दल के, एहन भाषा सब है। अभी भाषा के आधार में जसबे तो कौन भाषा अहाँ कहलिए मगही, मगही के कोनो ओरिजिनलिटी है ओकर की छै अपन आधार, जेना मैथिली भाषा के तत्भव हम जकरा कहलिए तो ओकरा अहाँ विचार करिए, ओकर अपन कोनो ओरिजिनल नहीं छै। मगही के सम्मेलनो भेल रहा, ओहि में सम्मेलन के करे आंतरिक मंत्री जाकर कहल, आंतरिक मंत्री जी के की कहबे, कोन आधार पर कहलखिन, कते भाषा के उनका ज्ञान छै अपने जनता, हमरा नहीं मालूम अछि, क्या कहलखिन, कोन आधार पर कहलखिन, हमरा नहीं बुझल अछि, हुनके से पूछऽ पड़त। अहाँ देखियौ जते प्राकृतिक भाषा छै ओहिठाम, मगही जकरा कहै छै ताहिमे कि भोजपुरी छै कि अहाँके की कहै छै मैथिली छै कि ओम्हर से केना आयल छै हिन्दी, ओरिजिनल होइ छै ओ शब्द जे प्राकृतिक शब्द ओरिजिनल होइ छै, समग्र रूप से ओकरा विश्लेषण करबै तऽ भाषे नहि छै। संपर्क भाषा हिंदी राखे में की रहते हैं सके स्टैंड किया भाषा जोड़े छै कहल जाय छै, मतलब हम अखनो कहै छी हम अहाँ के पहिलका संविधान सभा में संविधान सभा सदस्य तो वही में हमरा सबके कांग्रेस के साथी छ, बांके से लेके आ की कहै छै बांको से हमरा हमरो सब एक जगह बैसी तो अपन भाषा बुझे, सबके बात सब बुझे, भोजपुरी बजे कोई अवधि बजे, अवधियो छै ने कोई मैथिली बजे,
तो ककरो हमरा अखन धरि दिक्कत नहि भेल, हम जे मैथिलीमे बजी दो सब बात ओ बुझै छथिन, आ ओ अवधिमे बजै छै सब बात हम बुझै छियै, भोजपुरीमे बजै छथिन सब बात बुझै छियै एखनो हाउसमे, हम मैथिलीमे बजी सब बात बुझै छथिन। मुख्यमंत्री भौतिक पूर्वाधार मंत्री से लऽ कऽ सब हिंदीमे तऽ हाउसोमे बाजल छथि। नहि हिंदीमे बजैत बाजल कोनो बात नहि छै, एक दिन हम भाषा नहि राखल, नहि एक दिन हमहूँ हिंदीमे बजलहुँ कि हम मैथिली बजी कि नेपाली बजी, हम कहै छियै राष्ट्रीय भाषा छै आ राष्ट्र अलग नहि छै, नेपाली किएक नहि सम्पर्क, एखन चलू एक दिन आउ अहाँके हम अथी पास दै छी निमंत्रण दै छी, मुख्यमंत्री नेपालीमे बजै छै, सभामुख नेपालिए अधिकांश लोक नेपालीमे बजै छै, दू तीन आदमी हिंदीमे बजैत हेतै तऽ नेपाली किएक नहि सम्पर्क भाषा रहतै, आ मानि लिअ सबके बात सब बुझै छै सम्पर्क भाषाके आवश्यकते नहि छै, अहीँ हिंदी किएक कहै छियै सम्पर्क भाषा, हम एहिसँ सहमत नहि छी, टोटल सहमत नहि छी हिंदीसँ, जबकि हम भाषाके विद्यार्थी छी, हिंदीके हम इग्नोर करबै से बात नहि छै, हिंदी प्रति हमर अहाँके की कहै छी प्रति हम प्रतिष्ठा दै छी हिंदीके, सब भाषाके इज्जत करै छियै, एकर अर्थ नहि भेलै जे भाषा लादिके ककरो पर दऽ दी से बात, एहि बातसँ हम सहमत। कार्यक्रमके एकदम अंत अंत छी, अंतिममे एक एक पॉइंटमे नाम की नेपाली कांग्रेसके तरफसँ प्रदेशके? मिथिला भोजपुरा, मिथिला भोजपुरा। भाषा? भाषा मैथिली। सम्पर्क भाषा? सम्पर्क भाषा यदि राखै छी तऽ नेपाली। राजधानी? राजधानी जनकपुर तऽ हटि नहि सकैए, बीरगंजोके बात आबि रहल छै, फेर अहाँ उठा देलहुँ प्रसंग, राजधानीके लेल पूर्वाधार चाही ने, मध्यमे होबक चाही, जनसंख्या होबक चाही, नहि एहिठाम शिक्षाके की कहै छै हब होबक चाही, यूनिवर्सिटी छै, एतेक कॉलेज छै, एतेक हाई इसकुल सब छै, टेलीकम्युनिकेशन आदि जते पूर्वाधार एरिया छै जनकपुरमे छै, आओर कतौ नहि छै, तै जनकपुर ओहो बेटा करतै। कार्यक्रममे एनहुँ अपन विचार रखनहुँ, बहुत बहुत धन्यवाद अहूँके, बहुत बहुत धन्यवाद अपना न्यूज मीडियासँ हमरा बातके जनतामे सम्प्रेषण होतैके लेल, हार्दिक धन्यवाद दै छी। दर्शकवृन्द, आइके प्राइम टाइममे बातचीतके लेल हमरा सबके साथमे छलथि नेपाली कांग्रेसके तरफसँ प्रदेश नम्बर दू प्रदेशसभा सदस्य राम सरोज यादव जी, हुनका सङ्गेके समसामयिक विषयपर एखुनका बातचीत आइ प्राइम टाइममे एतै समाप्त करै छी, अगिला दिन फेरसँ हमसब उपस्थित हेबे करब, ताधरिके लेल हम अमित ठाकुरके विदा दिअ, अपन टेलीविजन देखैत रही, नमस्कार।